हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दोपहर है बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं हम, जहां छोड़कर गए थे ऐड से ही। बेटा ऐड की ना ऑब्जेक्शन हमने कर ली थी, लिमिटेशन और एडवांटेजेस कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिमिटेशन पे मैं हल्का सा टाइम लगा देता हूँ, 2 मिनट का, क्योंकि लिमिटेशन है ना बेटा पर्सनल सेलिंग की, कहीं ना कहीं बेटा मेरिट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना बेटा। हम ना बात कर रहे थे प्रमोशन मिक्स की। बाबू सामने देखो, रिदम ना घर से ही बना के आ करो, ठीक है ना। तुम 10 मिनट रिदम बनाने लगाते हो, इतना तो बैच नहीं है मेरे पास पूरा। बाबू एड, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। लो बोतर सामने देखो बेटा। पब्लिसिटी की मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना। एड पर मैं हूं बेटा। बाबू पर्सनल सेलिंग क्या चीज होता है बेटा? पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग, या बेटा फेस टू फेस सेलिंग एफर्ट्स डालना। बेटा क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए ये भी जरूरी है बेटा? अगर सेल्समैन बहुत सारे केसेस में पर्सनल सेलिंग एफर्ट ना डाले ना, तो आप कभी प्रोडक्ट ही नहीं बाय करोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में जाते हो, ठीक है ना, आपको एक माइक्रोवेव खरीदना है, वो 15 ब्रांड दिखा देगा आपको, लेकिन अगर बेटा किसी एक पे वो पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालता है ना, तो आप बाय करके आते हो श्योरली। आपको एसी खरीदना है बेटा, आप शोरूम में एंट्री लोगे, 4 कंपनी 5 कंपनी का एसी देखोगे, जो जो ब्रांडेड है, जो नाम है, हिताची का नाम है, कैरियर का नाम है बेटा, वो जंगल का नाम है, ठीक है ना, वोल्टास नाम है, ब्लू स्टार नाम है, अब ये सारे नाम है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक पे ना एक स्पेशल एफर्ट डालता है बेटा पर्सनल सेल्समैन, और बेटा आप उसको बाय कर लेते हो। तो बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट दुनिया में बाय इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सेल्समैन एफर्ट डालते हैं। अगर वो एफर्ट ना डाले तो बाय ना होगा, ठीक है जी। बाबू एड की लिमिटेशन और इसकी एडवांटेजेस बिल्कुल सेम, ठीक है जी। एड की पहली लिमिटेशन पढ़ना, लेस फोर्सफुल। बेटा एक बात बताओ, अभी आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है ना, टीवी पर। बाबू मेरे साथ तो यही किस्सा, मुझे बाकी पता नहीं बेटा। फेवरेट में एक बैक करके एक चैनल मैंने ऐड किया होता है, ठीक है ना जी। जैसे ही 5 बॉल हुई, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होता है, साइकोलॉजी ऐसी है, रिमोट हाथ में आ जाता है। जैसे ही 6th बॉल डली, बैक करा, चलो जी कुछ सुन लिया इधर उधर, फिर 5 मिनट बाद दिया, 2 मिनट बाद बैक करके फिर वापस आ गए बेटा, फिर मैच देखना शुरू। क्या बेटा अटेंशन देना एड को कंपलसरी है बेटा? किसी भी हाल में नहीं, अटेंशन देना कंपलसरी है, ठीक है ना। लेकिन बेटा यही बात मैं बोलू, अगर सेल्समैन आपके सामने आ चुका है, देखो वैसे तो सेल्समैन को भी अटेंशन देना जरूरी नहीं है। आपने घर के बाहर देखा, अच्छा जी ओ हो, एक सेल्समैन घूम रहा, आपने बेटा वटावट से घर की कुंडी लगा दी, ऐसे केस में तो अटेंशन देना उसको भी जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा मैं बोलू, आपको पता ही नहीं था, उसने नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, बेटा वो सामने खड़ा है, अब तो बेटा उसको टेंशन देनी पड़ेगी। आप चाहे नाइफ देना चाहो, जबरदस्ती ले लेगा टेंशन। तो बेटा एड को टेंशन देना इतना कंपलसरी नहीं है, एड इतने फोर्सफुल नहीं है, लेकिन सेल्समैन तो जबरदस्ती करते हैं बेटा। बाबू वो तो अपने एफर्ट को कहीं ना कहीं फोर्सफुल बना ही देंगे। समझ में आती है बेटा बात? सेकेंड लिमिटेशन पढ़ना, लैक ऑफ फीडबैक, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं बेटा। एड के केस में एक मोनोलॉग क्रिएट होता है, नॉट अ डायलॉग। तो फीडबैक दोगे किसको? टीवी एड देख रहे हो, प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है, किसको दोगे फीडबैक? सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को फीडबैक दे दो। लेकिन बेटा अगर यही बेटा पर्सनल सेलिंग हो, तो आपको पता है आज की तारीख में कोई भी सेल्समैन आता है बेटा गली में, साथ में फीडबैक फॉर्म लेके आता है। सर फीडबैक तो जरूर दे दो, फीडबैक तो पहले आए। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर है बात? दो बातें, कोई समस्या तो नहीं? थर्ड वन पढ़ना जी बेटा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो बेटा एड हमेशा स्टैंडर्डाइज होते हैं, दे कांट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। एड हमेशा स्टैंडर्डाइज होते हैं। अच्छा एड देखने वाले को ये जो एड देख रहा है बेटा, क्या एडवर्टाइजर को ये पता है कि मेरा एड कौन देख रहा है, कि मैं एड को मॉडिफाई कर लूं? अच्छा हायर इनकम ग्रुप वाला देख रहा है तो बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में बता दो, लो इनकम ग्रुप वाला देख रहा है तो छोटे प्रोडक्ट के बारे में, खराब प्रोडक्ट के बारे में बता दो। सर आपको क्या पता कौन देखेगा? तो आपने देखा है एड कैसे बनते हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको, एक टीवी एड आएगा, ठीक है ना, लेट सपोज मैकडी एड कर रहा है, ठीक है जी,
और मैकडी ऐड कर रहा है बेटा मैक आलू टिक्की बर्गर का, तो बेटा ऐड करेगा मैक आलू टिक्की बर्गर आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 39, ऐसे ही लिखा है ना, ठीक है ना। जबकि बेटा ये उनका रेगुलर साइज है, मीडियम साइज लेस लेट सपोज 59 का है, लार्ज साइज मान लो बेटा 79 का है। अब वो ऐड करने वाले को ये नहीं पता कि किसने देखना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर कोई हायर इनकम ग्रुप का पर्सन देख रहा है तो आप चाहोगे मैं 39 वाले प्रोडक्ट के बारे में उसको बताऊंगी ना, मैं तो 79 का प्रोडक्ट बेचू ना उसको। पर बेटा क्या ऐड में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास कि मॉडिफाई कर दो उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। सेम वे बेटा जब आप कार दिखाते हो, दिखाते हमेशा टॉप मॉडल हो एड में हमेशा, लेकिन प्राइस किसका बताते हो, हमेशा बेटा लोएस्ट मॉडल का। क्रेटा का ऐड आ रहा है, कार दिखाएंगे टॉप मॉडल जो सारे फीचर टॉप मॉडल में होंगे, ठीक है ना जी। लेकिन प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 18 लाख, जबकि क्या होगा बेटा क्रेटा का सबसे छोटा मॉडल 18 लाख का होगा, उससे बड़ा मॉडल 19.5 लाख का, उससे बड़ा मॉडल 21 लाख का, उससे बड़ा मॉडल 23 लाख का, गाड़ी 23 लाख की आ रही है। अच्छा आप ये नहीं चाहते कि अगर हायर इनकम ग्रुप देख रहा है बेटा तो मैं उसको कभी बताऊंगी ना कि मेरी गाड़ी 18 में भी आती है, मैं तो सीधा बताऊं 23 की गाड़ी है, 23 की खरीदेगा वो। पर बेटा ऐसी मॉडिफिकेशन करना, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी एड में कभी होती ही नहीं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, यही काम अगर सेल्समैन कर रहा हो तो सर उसके पास तो होती है, वो क्या करता है बेटा आपकी पर्सनैलिटी से, अगर मान लो आपने शोरूम में एंट्री लिया है तो आपकी पर्सनैलिटी से जज करने की कोशिश, आपके प्रोफेशन से जज करने की कोशिश करता है कि आप किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करते होंगे। और अगर बेटा आपने शोरूम में एंट्री नहीं ली, वो घर घर आ रहा है, तो बेटा वो आपके घर के स्टैंडर्ड से, घर में रखी हुई सारी फैसिलिटीज के हिसाब से बेटा वो अंदाजा लगाता है कि आप किस इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हो। अच्छा एसी है घर में, अच्छा जी इतनी गाड़ी खड़ी है, इतना व्हीकल खड़ा, ठीक है जी हाँ ये इस इनकम ग्रुप में है बेटा। और उसको तो स्क्रिप्ट रटाई होती है, हमें लगता है बहुत अच्छा बोल रहा है, वो तो स्क्रिप्ट रट के आया है, पटाक पटाक वही 10-12 लाइन उसने बोल देनी आप इम्प्रेस, तो बेटा वो आपको वही प्रोडक्ट बेचेगा जिस इनकम ग्रुप में आप आते हो, वो कभी सस्ते प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएगा अगर आप हायर इनकम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हो तो। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जितनी भी बात बोली सब समझ आई पक्का क्लियर। पर वो लास्ट हेडिंग पढ़ना, लो इफेक्टिवनेस काम की बात, बेटा पहली हेडिंग और फोर्थ हेडिंग में डिफरेंस है, आराम से समझ लो, वंश रुक जा भाई। बेटा नंबर ऑफ एड आज की तारीख में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कई बार बेटा मोस्ट ऑफ द एड नोटिस में नहीं आते, या ये कह लो बेटा आज की तारीख में हमने टीवी देखना इतना कम कर दिया है हमारी जनरेशन ने कि बेटा मोस्ट ऑफ द एड का कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा कंपनीज को। ये लो इफेक्टिवनेस है पहली हेडिंग और इसमें बहुत फर्क है बेटा। फर्स्ट हेडिंग तो ये कहती है एड को अटेंशन देना जरूरी नहीं है, आपके सामने एड चल रहा है बेटा आप खुद बैक कर रहे हो, और लो इफेक्टिवनेस कह रहा है क्वांटिटी में इतने ऐड हो चुके हैं बेटा आज की तारीख में, हर दूसरी कंपनी ऐड कर रही है, क्वांटिटी में इतने हो चुके कि नोटिस में नहीं आते, ठीक है ना जी। या आज की तारीख में हम वो सब फैसिलिटी चाहते हैं बेटा जिसमें ऐड आए ना, यूट्यूब प्रीमियम हर चीज का प्रीमियम खरीद लो भैया हमें तो ऐड फ्री चाहिए, ये लो इफेक्टिवनेस है। समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर हो गई बात। बेटा आगे बढ़ाओ बात को, एड फिनिश हो गया मेरा मुद्दा, पर्सनल सेलिंग अभी करना नहीं, सेल्स प्रमोशन पे आ जाओ जल्दी जल्दी, सेल्स प्रमोशन पे थोड़ा स्पीड से आ जाओ। बेटा सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है पहले मतलब जान लो, इधर देखो एड गया बाबू मैं इधर देख लो, एड गया पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन पब्लिसिटी, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। बेटा पर्सनल सेलिंग बेटा डोर टू डोर सेलिंग या फेस टू फेस सेलिंग, बेटा सेल्स प्रमोशन क्या है बेटा यूज ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू परसुएट द कस्टमर टू बाय द कंपनीज प्रोडक्ट। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का यूज करना और बेटा परसुएट करना कस्टमर को कि बेटा वो कंपनी का प्रोडक्ट बाय करे, और बेटा वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव क्या हो सकते हैं बेटा 11 है मेरे कोर्स में, ठीक है ना जी। वो पढ़ते हैं जरा पहले सेल्स प्रमोशन के मेथड और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आएंगे। बेटा सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है रिबेट और दूसरी लिखी गई है डिस्काउंट, दिखाई दे रहा है बाबू। ऑल दो अगर हम अकाउंट्स के हिसाब से सोचे, अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो हमें लगता है क्या ही फर्क है,
पर बाबू बिजनेस स्टडीज कहती है रिबेट ऑलवेज इन अमाउंट एंड डिस्काउंट ऑलवेज इन परसेंटेज। मैं कहूं बेटा रुपी 100 ऑफ तो बेटा ये रिबेट है, और मैं कहूं बेटा 20% ऑफ तो बेटा ये डिस्काउंट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ो। थर्ड हेडिंग इज, अरे बोल दो भैया फटाफट, रिफंड्स। बेटा अगर आप पुराने जमाने में रिफंड के एग्जाम्पल बहुत सारे थे, नए जमाने में बेटा रिफंड का एक आध एग्जाम्पल नहीं मिलता, मैं बता भी दूंगा। बेटा अगर आप कभी प्रूफ ऑफ परचेज दिखाओ और वो प्रूफ ऑफ परचेज दिखाने पे पैसे वापस मिले तो उसे रिफंड बोलते हैं। मान लो बेटा हम एक पफ खरीदते हैं जिसका नाम है फन फ्लिप्स, ठीक है, और फन फ्लिप्स में बेटा कूपन निकलते हैं, ठीक है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है। मान लो बेटा ऐसा हो कि अगर आपने 500 पॉइंट इकट्ठे कर लिए तो 100 रुपए रिफंड मिलेंगे। मान लो ऐसा हो, एक्चुअली में पैसा कोई वापस नहीं करती कंपनी आज की तारीख में ऐसे, ठीक है, मान लो ऐसा है, तो बेटा क्या जो मैं ये पॉइंट उसको कलेक्ट करके रिटेलर को दिखा रहा हूं, क्या ये प्रूफ ऑफ परचेज है कि नहीं? नहीं, मैंने प्रिंट तो नहीं कराए, और प्रिंट कराऊंगा तो मुझे इससे ज्यादा ही कॉस्ट पड़ेगी। तो बेटा मैंने खरीदा है पफ, उसमें से तो निकला है, क्या ये टोकन, क्या ये पॉइंट प्रूफ ऑफ परचेज है? प्रूफ ऑफ परचेज दिखाने पर अगर पैसे मिले तो उसे क्या बोलते हैं? रिफंड। पर आज की तारीख में बेटा रिफंड का एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक्सेप्ट बेटा जो कैशबैक आपको मिलते हैं रिचार्ज करने पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर, बेटा ये रिफंड का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा फोर्थ और फिफ्थ हेडिंग, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटी गिफ्ट। देखो बेटा आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर उसी की ही एडिशनल क्वांटिटी आपको मिल जाए तो उसको बोलते हैं बेटा क्वांटिटी गिफ्ट, और आपने प्रोडक्ट कोई और खरीदा और बेटा गिफ्ट के तौर पर कुछ और मिला तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूं बेटा आपने खरीदे 3 सोप और एक सेम सोप फ्री मिल गया, इट इज अ क्वांटिटी गिफ्ट। और आपने खरीदी बेटा नेस्कैफे कॉफी और फ्री मिला नेस्कैफे मंक, तो बेटा ये क्या है? ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। आपने बेटा टमाटो सॉस खरीदी और चिली सॉस फ्री है टमाटो नहीं, तो बेटा ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। आपने टूथपेस्ट खरीदा और टूथब्रश फ्री है तो ये भी बेटा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। आपने टूथपेस्ट खरीदी 1 kg और बेटा 250 ग्राम की एक और ट्यूब फ्री है तो बेटा ये क्वांटिटी गिफ्ट। जो खरीदा वही मिल जाए तो क्वांटिटी गिफ्ट, कुछ और मिल जाए तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, समझ आती है बात। बेटा सिक्स्थ और सेवेंथ, इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट देन लकी ड्रॉ। बेटा इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट सबको मिलते हैं और लकी ड्रॉ किसी एक लकी पर्सन को, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली बार कैसे समझाया था मैं आपको याद करा देता हूँ। बेटा दिवाली वीक आता है, दिवाली वीक के आसपास ना बहुत सारे ऑफर आने लग जाते हैं लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ठीक है जी। तो मैंने एक बार पीसी खरीदा था दिवाली ऑफर में, क्या हुआ बेटा मैं जिस शोरूम में गया, खैर वो सहारनपुर की बड़ी मानी हुई दुकान है, ठीक है ना, मैंने एंट्री ली, वो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर ऑफर चल रहा है दिवाली वीक है, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे से बाय कर रहे हो, पीसी लैपटॉप नोटबुक कुछ भी बाय कर लो, ठीक है ना, आप बाय करोगे तो हम क्या करेंगे आपसे कुछ चिट ड्रॉ कराएंगे, जो भी चिट में लिखा होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है जी। और ये ऑफर सबके लिए था, ठीक है। वो मैंने एक पीसी खरीदा, मैंने चिट ड्रॉ करी, मान लो उसमें लिखा गया 128 GB पेन ड्राइव, तो बेटा मुझे वो पेन ड्राइव उन्होंने गिफ्ट कर दी, ठीक है। किसी के साथ लिखा गया बेटा कोई केबल फ्री आ गई बेटा, ठीक है ना, या किसी के साथ आ गया कोई बेटा डोंगल फ्री आ गया इंटरनेट का, जिसको जो लिखा हुआ रहा था उसको वो फ्री गिफ्ट दे रहे थे, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक काम और किया, कहता है एक स्लिप दी मेरे को, कहते अपना नाम लिख दो, अपना एड्रेस लिख दो, अपना फोन नंबर लिख दो, हम क्या करेंगे पूरे दिवाली वीक में जो जो भी हमसे प्रोडक्ट बाय करेगा हम एट द एंड ऑफ द वीक क्या करेंगे चिट ड्रॉ करेंगे एक लकी पर्सन को, उन सब में से प्रिंटर गिफ्ट करेंगे। और बेटा जब वो वीक खत्म हो गया, मान लो 150 लोगों ने शॉपिंग करी उस वीक में, तो बेटा 150 लोगों की चिट थी, एक चिट ड्रॉ करी जिसका नाम आया उसको प्रिंटर गिफ्ट। तो बेटा जिसको प्रिंटर गिफ्ट किया है ना, ये एग्जाम्पल लकी ड्रॉ का है। और बेटा जब पीसी खरीद रहे थे, नोटबुक खरीद रहे थे, लैपटॉप खरीद रहे थे, जो चिट हम ड्रॉ कर रहे थे वो इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट है। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट सबको मिल जाते हैं बेटा, लकी ड्रॉ किसी एक लकी पर्सन को मिलता है। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
बाबू आगे बढ़ा, नेक्स्ट वन, यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट बेटा एक हेडिंग है, यूजेबल बेनिफिट, आराम से सुनना है इसका एग्जांपल बेटा। कई कंपनियां यूजेबल बेनिफिट बेटा अपने कंज्यूमर्स के लिए लाती हैं, और कई कंपनियां मैं देखता हूँ होलसेलर और रिटेलर के लिए लेके आती है यूजेबल बेनिफिट जैसी बातें। बेटा यूजेबल बेनिफिट में क्या होता है, हैवल्स कंपनी ने कह दिया अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कि अगर आपने दिवाली सीजन में 1 महीने में अगर सेल 50 लाख क्रॉस कर दी, 50 लाख से ज्यादा का सामान ले लिया, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ 5 दिन के लिए सिंगापुर मलेशिया की ट्रिप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 days 6 nights, ये लो जी 50 लाख का सामान खरीद लो पूरी फैमिली के साथ बेटा, ले जाओ फ्लाइट की टिकटें, होटल की बुकिंग, सब कुछ ले जाओ। ये क्या है बेटा, बहु यूजेबल बेनिफिट है। या एक और बात हो सकती है, मैंने बताया ना कुछ कंपनियां अपने होलसेलर एजेंट्स के लिए लाती है, कुछ कंपनियां कंज्यूमर के लिए लाती है। लेट सपोज रिलायंस ट्रेंड्स ने काम किया, अभी एग्जाम्पल ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं पढ़वाऊंगा खिचड़ी तब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रिलायंस ट्रेंड्स ने काम किया कि अगर आपने रिलायंस ट्रेंड्स में 10,000 से ज्यादा की शॉपिंग करी तो डोमिनोज के आउटलेट के वो आपको कूपन देंगे 50% off के। मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ क्या है, बच्चे कहते हैं डिस्काउंट। बेटे काम की बात सुन लो, डिस्काउंट अगर सेम शोरूम में मिले ना तब वो डिस्काउंट है। शॉपिंग आप रिलायंस ट्रेंड्स में कर रहे हो और वो छूट क्या कहाँ की दे रहा है, डोमिनोज की, तो डिस्काउंट नहीं है, ये यूजेबल बेनिफिट है, ठीक है ना। अगर रिलायंस ट्रेंड्स में ही 10,000 की शॉपिंग करने में 50% off होता तो बेटा ये डिस्काउंट होता। समझ में आई बेटा बात, क्लियर हुई है बात। वो नेक्स्ट हेडिंग है फुल फाइनेंसर 0%। बेटा सामने देखना फुल फाइनेंसर 0% क्या होता है बेटा, फाइनेंस का मतलब मेरा ख्याल सब समझते होंगे, लोन पर, ठीक है, लोन लेना, फाइनेंस करना। बाबू कहता है गाड़ी भी लोन पर है, पूरे फाइनेंस पर है, ठीक है ना, लेकिन एट द रेट 0%। एट द रेट 0% का मतलब है फाइनेंस की गाड़ी भी है पर ब्याज भी कुछ नहीं है, 0% ब्याज है। 0% किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटरेस्ट को। गाड़ी लोन की है फिर भी ब्याज नहीं है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं पर मैं बता देता हूँ कब कब किस किस किस्से में होता है। बेटा आप गए शोरूम होंडा के कि आपने एक एक्टिवा बाय करनी है, आपने कहा सर व्हाट इज द कैश परचेज प्राइस ऑफ एक्टिवा 6G। मान लो उन्होंने आपको प्राइस कोट करा 1,08,000, 1,08,000 रुपये ले जाओ अभी गाड़ी उठा लो, ठीक है। आपने कहा सर गाड़ी फाइनेंस करानी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप डाउन पेमेंट दे दो हमें 28,000, ठीक है, बाकी 2,000 की 25 किस्तें बेटा आपने, सॉरी 50 किस्तें बेटा आपने कैलकुलेट किया ये आपको कितने का पड़ रहा है, तो आपने देखा ये आपको 1,28,000 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है जी, कितने का पड़ रहा है, 1,28,000। आपने कहा जी ये तो 20,000 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो उसने कहा भैया जो पेमेंट आपको आज देनी है आप उसको 50 महीने तक, 4 साल लगभग, 4 साल से भी 2 महीने ऊपर, 4 साल तक क्या कर रहे हो, पेंडिंग में तो छोड़ रहे हो, डेफर्ड भी तो कर रहे हो उस पेमेंट को, जो पेमेंट आपको आज करनी है 50 महीने डेफर भी तो कर दिया आपने उसको, 2,000 करके दे रहे हो, तो महंगी तो पड़ेगी ब्याज है ये हमारी 20,000 रुपये 50 महीनों की। समझ में आ रही है बेटा बात। वो जनरली फाइनेंस की चीजें महंगी होती है, आप फाइनेंस कराओगे बेटा कंपनी ब्याज तो लेगी, ब्याज थोड़ी छोड़ेगी, लेकिन बेटा कुछ व्हीकल आप देखते हो जो मार्केट में बहुत कम बिकते हैं तो उनके ऊपर से कभी फुल फाइनेंसर 0% हटता नहीं है। मैं तो बहुत देखता हूँ, सालों साल देखता हूँ, होंडा शाइन अभी भी सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको कितने शोरूम दिख जाएंगे जो फुल फाइनेंसर 0% देख रहे, बहुत बार देखा मैंने इसका एड, बहुत बार फुल फाइनेंसर 0% चलता ही रहता है। लोन भी करा लो और ब्याज भी कुछ नहीं देना, जो कैश परचेज प्राइस है वही बेटा लोन का प्राइस है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही कि अगर ऐसा हो जाता कि ये कह देते कि 40 किस्तें हैं 2,000 रुपये की तो एक्टिवा कितने की पड़ती, 1,08,000 की, मतलब मैंने लोन भी करा लिया 40 महीने तक पेमेंट भी डेफर करी तब भी सेम रेट पड़ रही है। समझ में आ रहा है बेटा बात, फुल फाइनेंसर 0% क्या होता है। चलो जी आगे बढ़ाओ बात को, नेक्स्ट वन इज सैंपल्स। सर कोई मैं नहीं जानता बेटा आप में से कोई ऐसा जो सैंपल की बात नहीं जानता, लगभग हर फील्ड में सैंपल फेमस है, नई प्रोडक्ट के लॉन्च पे बहुत काम आते हैं। बाबू फार्मा सेक्टर, फार्मा
फार्मा सेक्टर देख लो, बहुत बहुत ज्यादा सैंपल्स का प्रचलन है बेटा। बाबू आप देख लो आपका खुद का एजुकेशन सेक्टर, बेटा कितने सैंपल्स आते हैं, कितने। मैं कह रहा हूं कंपनीज ने हमारे डेटाबेस फीड किए हुए हैं, ठीक है ना, कोई ना कोई विद्या पब्लिकेशन, क्या क्या नाम लो, मैं छोड़ो नाम नहीं लेते, ठीक है ना भाई साहब। बुकें आती रहती हैं, घर पर भी आ जाती है, इंस्टीट्यूट में भी कोई ना कोई देना है, सर हमारी बुक तो आप लगवा नहीं रहे, सर लगवा दो सर। मैं बुक पढ़ता हूँ खुद उठाकर, दो चार देखता हूँ, इतनी गलतियां 2 पेज के अंदर अंदर, मन नहीं करता लगवाने का, पर वो कहते रहते लगवाओ। सर मैं सैंपल दे रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर ये सब चीजें बड़ी पॉपुलर हैं, नए प्रोडक्ट की लॉन्च में वैसे भी बड़े थोड़ा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है ना। और फार्मा में तो आप देखते ही हो, ऐसा भगवान ना करे वैसे कभी हो या हुआ हो आपके साथ, बेटा हम डॉक्टर के पास बैठते हैं, देखते हैं ना कितनी बार MR आके बैठे रहते हैं, 15 15 20 20 मिनट MR सैंपल दे के जाएंगे डॉक्टर को, और डॉक्टर बेटा वही सब बिकवा भी देते हैं बाहर, वो सबकी अलग प्रैक्टिस है, छोड़ो क्या इसमें क्या उलझना, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। लास्ट हेडिंग इज कॉन्टेस्ट, बेटा एक बार, एक ही बार हुआ है, एक ही बार का एग्जाम्पल है, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट। एक टाइम था बॉर्नविटा ने कराया था बेटा क्विज कॉन्टेस्ट, और बेटा बहुत पैसा जेब से फूका था भाई। नेशनल लेवल पर उसको टेलीकास्ट कराना आसान बात नहीं, ठीक है ना, इतने सारे एपिसोड बनवाना आसान बात नहीं। इन्होंने बेटा जगह जगह बहुत सारे शहरों से बेटा बहुत सारे स्कूल घूम घूम के इंटेलिजेंट बच्चे निकाले, GK के बेसिस पे टेस्ट ले रहे थे, और बेटा जब फाइनल राउंड हुए तो बेटा उसको टेलीकास्ट कराया, ठीक है ना, 4 या 8 टीम ने दिखाकर बेटा, ठीक है ना, एक एक करके टीम कम करते गए, काफी 8 10 एपिसोड उन्होंने दिखाए बेटा। इतना टेलीकास्ट कराना, इतना घूमना, और उसके बाद बेटा उनको जेब से प्राइज देना, इट इज नॉट अ इजी थिंग। और उसको दोबारा के शायद कभी हिम्मत नहीं बढ़ी किसी कंपनी की, दोबारा कभी नहीं हुआ वो टेलीकास्ट, एक ही बार हुआ, एक ही बार का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। अब बेटा एक बात का आंसर करो पहले मेरे को, ये खत्म हो गया टॉपिक, मतलब मेथड्स खत्म हो गए, लिमिटेशन की बात करते हैं। वो दो लिमिटेशन आपको दिखाई दे रही होंगी नोट्स में, एक बेटा रिफ्लेक्ट क्राइसिस, एक बेटा स्पॉइल प्रोडक्ट इमेज, मेरी तरफ देखना। वो मैं कहता हूं आपने ना 10 साल से एक प्रोडक्ट को देख रहे हो, ठीक है ना, और 10 साल से आपने यही देख रखा है बेटा बाय 3 soap get 1 free, इसके ऊपर से 3+1 कभी नहीं हटता, कभी हटा ही नहीं आज तक, ठीक है। बहुत सारे सॉप के बारे में ऐसा आप भी जानते होंगे, बहुत सारे सॉप के बारे में ऐसा मैं भी जानता हूँ, एक सॉप है नंबर 1, ठीक है ना, मैंने भाई आपने मतलब मेरी लाइफ बीत की है इसको 3+1 देखते हुए, ठीक है जी। मतलब बन जब से होश संभाला है तब से मैं इसको देख रहा हूँ, ये 3+1 ही लगा रहता है, हर दुकान में दिख जाता है बेटा, साइड में लगा हुआ, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसे प्रोडक्ट को आप देखते हो तो सर इमेज क्या जाती है, सर लगता है ना फर्म इज अनेबल टू मैनेज इट सेल्स, या इसके कस्टमर बहुत कम है, या बिकता नहीं है ये, या पहले ही तूने 3 में 4 के पैसे जोड़े हुए हैं, यही सब तो दिमाग में इंप्रेशन आते हैं। अब यही सोचो बेटा ये काम डव और पियर्स करें, सर वो रेगुलर नहीं करते, करते वो भी रहते हैं, 3+1 करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, पर बेटा वो रेगुलर नहीं करते। जब वो कोई चीज आप रेगुलर ना करो ना तो बेटा शॉर्ट टर्म इंसेंटिव बड़े काम के हैं, लोगों को लगता है सच में कुछ बेनिफिट है और लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पर बेटा अगर ये काम आप रेगुलरली करने लगो, 10 10 साल 20 20 साल करने लगो, तो सर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की इमेज भी खराब हो जाती है मार्केट में, और कहीं ना कहीं बेटा पब्लिक समझ जाती है भैया कंपनी के पास कस्टमर है ही नहीं, ये तो बस काम चला रहे हैं बस, समझ में आ रही है ना बेटा बात। तो इसकी बुराई भी है, ठीक है जी। तारीफ की बात ये बेटा शुरू की 2 तारीफ है, एडवांटेज आप आराम से पढ़ लोगे, एक एक सेकंड की बात है वो तो समझ आ जाएगा। थर्ड हेडिंग की मैं बात कर देता हूँ, सिनर्जी इन टोटल प्रमोशन एफर्ट। बेटा सिनर्जी समझते हो, सिनर्जी वर्ड बेटा एनर्जी से बना है, मैक्सिमम एनर्जी डालना। और एक बात सुन लो बेटा, जितनी एनर्जी एड और पर्सनल सेलिंग मिलकर डालते हैं ना, उतनी अकेली एनर्जी सेल्स प्रमोशन डालता है। मैं कहता हूं बेटा आपका ना फोन बहुत दिनों से टूट रखा है, और आप एक टूटा हुआ फोन चला रहे हो, और पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया है बोर्ड के पेपर खत्म होते एक नया फोन देंगे आपको, ठीक है जी। और मान लो ऐसा हुआ कि आपके फ्रेंड ने आजकल नई फोन लेना है, वो आपको आई क्रस्ट पे ले गया, ठीक है,
और आप उसके साथ कोई प्रोडक्ट खरीद देख के आए, मतलब मान लो 15 प्रो देख कर आए, ठीक है जी, आपने टेस्ट किया, देखा सब कुछ बढ़िया लग रहा है आपको, ठीक है ना, आप पर्सनल सेल्समैन ने बहुत एफर्ट डाले, आपको प्रोडक्ट अच्छे से समझाया, आपने बेटा डेमो भी चलाकर देखा, आपको बहुत बढ़िया लगा प्रोडक्ट, ठीक है जी, ठीक है। अब दिमाग में छवि बन गई कि यार चलो कहूंगा फादर को मदर को कि बोर्ड का 15 प्रो दिखा दिलवा दे, ठीक है जी, वो पर्सनल सेलिंग एफर्ट और सेल्समैन के एफर्ट दिमाग में घूम रहे। बेटा घर आए, आप टीवी देख रहे थे बैठे हुए 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद, और बेटा टीवी पर ऐड आ रहा है 15 प्रो का, ठीक है जी, दिमाग में अब छवि और बन रही है, भाई यह प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि हमें लगता है जो कंपनी ऐड कर रही है अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, अच्छा बेच रही है। तो बाबू अब यही सिलसिला चलता रहा, ठीक है ना, बोर्ड्स खत्म हो गए, आपने फिर किसी दिन टीवी देखा बैठकर, फिर एक ऐड आ रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा शायद अभी भी आप कंफ्यूज हो, प्रोडक्ट बाय ना कर पा रहे हो, आपने बहुत ऐड देख लिए, बड़े सेल्समैन के एफर्ट देख लिए, अभी भी कंफ्यूज हो, लेकिन बेटा एक दिन एक ऐड ऐसे आता है कि अब 15 प्रो के साथ, ठीक है ना, कोई वॉच 6, मान लो ऐसा होगा कभी नहीं, वॉच 6 एप्पल की फ्री ऑफ कॉस्ट सर, या रिड्यूस्ड प्राइस पर, मान लो इसकी एक्चुअल कीमत है 80,000, 20,000 में दे रहे सर। जितने एफर्ट पर्सनल सेलिंग और एड ने अब तक डाले थे ना, वो सब फेल थे इस एड के सामने। ये जो सेल्स प्रमोशन टूल उन्होंने यूज किया ना, ये जितनी एनर्जी डालता है उतना कभी एड और पर्सनल सेलिंग डाल नहीं सकते। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर बाबू? सेल्स प्रमोशन जितना था मैंने सभी खत्म कर दिया, अब बेटा मेरे को बात करनी है थोड़ी सी पब्लिक रिलेशन पर, ठीक है ना बेटा, ये बात करूंगा, और यहां से मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया बेटा, रोल ऑफ सेल्समैन या रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, करेंगे इसकी चर्चा, ठीक है ना, लेकिन आप करेंगे इसकी चर्चा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा जब लूंगा। ये आज से 3 साल तक तो लगातार कट रहा है, ठीक है ना, इस बार ऐड हो गया ये, ठीक है जी बाबू। अभी फिलहाल आप सारे काम धंधे छोड़ दो, मुझे पब्लिक रिलेशन का इंट्रो देकर इसके कुछ मेथड पढ़ाने पढ़ाने हैं, मेरा टारगेट पूरा होने तो। बाबू पब्लिक रिलेशन एक ये टॉपिक है, अब इसकी जरूरत समझो, ठीक है ना बाबू। एक बात बताओ, एक टाइम पर आपने खुद देखा है अपनी आंखों से नेस्ले का एक प्रोडक्ट मैगी बैन होते हुए, लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर खिलाफ और लेबोरेटरी के टेस्ट आपके खिलाफ और कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपके खिलाफ, देखा आपने सब कुछ अपनी आंखों से, जो जो चीज आपने इस बार अपनी आंखों से देखी है मैंने 2005-06 में देखी थी पेप्सी और कोक के साथ, वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड कंटेंट मिलना, ठीक है ना, और उसके बाद बेटा उसका बैन होना, ठीक है, और ये कुछ टाइम के लिए मार्केट से आउट हो जाना, जो मैगी के साथ हुआ सब सेम 2005-06 में हुआ था, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, बड़े सच्ची में सोच और समझ कर बेटा, आपका प्रोडक्ट एक एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको बेटा, क्या उस टाइम पर इन चारों में से कोई भी टूल काम करेगा? आप टीवी ऐड करो बेटा, लोग गालियां देंगे आपको अगर आप टीवी ऐड करोगे, सच बता रहा हूँ ये आपको, और अगर सेल्समैन घर घर भेजना शुरू कर दिया, पर्सनल सेलिंग ऑफर डालने शुरू कर दिया सर, वो वापस नहीं आएगा घर, वो बिल्कुल घर वापस नहीं पहुंचेगा, ऐसी सिचुएशन है तो कभी नहीं पहुंचेगा। और अगर आपने कह दिया बाय वन मैगी गेट वन मैगी फ्री, तो कहेंगे कूड़ा कौन खाएगा, फ्री में भी देते तब भी नहीं खाते हम, ठीक है ना जी। और बेटा पब्लिसिटी, जो पब्लिसिटी कर रहा होगा इंडिपेंडेंट पर्सन, उसका चैनल ही बंद हो जाएगा इस सिचुएशन में, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इतने मुकदमे हो जाएंगे कि वो खुद ही परेशान हो जाएगा, ठीक है ना जी बाबू। एक ही चीज काम आएगी उस टाइम पर, एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो है बेटा पब्लिक रिलेशन टूल, और कोई नहीं बचा सकता आपको। बेटा पब्लिक रिलेशन टूल का काम क्या होता है बेटा? टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, बेटा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट में उन सबके साथ आपकी रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। बेटा स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं बेटा? हर वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उसे मैं स्टेक होल्डर बोल सकता हूँ, चाहे वो मेरे कस्टमर हैं, चाहे वो मेरे सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो मेरे डायरेक्टर वर्कर हैं, चाहे वो बेटा खुद गवर्नमेंट है, चाहे वो बेटा कम्युनिटी है, चाहे वो बेटा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी पर्सन कंपनी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है वो स्टेक होल्डर है, ठीक है ना। और पब्लिक रिलेशन का काम क्या है? स्ट्रेंथन करना रिलेशनशिप को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ,
है जी, वो धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कैसे कैसे स्ट्रेंथन करते हैं किसके साथ रिलेशनशिप को। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रहा है? जब प्रोडक्ट एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रहा है, कोई काम नहीं आएगा, एक ही चीज काम आएगी। ठीक है जी बाबू, जो कंपनियां बड़ी होती हैं उनमें ना बेटा अलग से पब्लिक और रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल अलग काम करने वाला। ठीक है, वहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी नजर आएगा आपको, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अलग नजर आएगा। लेकिन जो कंपनियां छोटी होती हैं, जिनका बजट थोड़ा कम होता है बेटा, वहां आपको एक ही डिपार्टमेंट नजर आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही सारे डिपार्टमेंट का रोल अदा कर रहा होता है, मतलब उसी में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इंक्लूडेड है। बड़ी कंपनियों में अलग दिख जाएगा आपको बेटा। अगर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आपका थोड़ा सा तंदुरुस्त है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर ये थोड़े से भी तंदुरुस्त है, तो ये बेटा जितने भी एड है ना जिस चीज के लिए आप पैसे खर्चते, वो सारे काम करा जाते हैं फ्री में। मेरे अकल होती है कि पैसे नहीं खर्चने, काम ऐड वाला ही कराना है, लेकिन कराना फ्री में, इनके पास सारे हथियार होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो बेटा, ब्लैकबेरी ना फैक्ट्री लगा रहा है बेंगलुरु में। अब उसके लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा लोगों को। ठीक है ना, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट थोड़ा तंदुरुस्त है, इसने क्या करा, सभी मीडिया मेंबर्स को इनविटेशन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि सर हमारे सीईओ साहब एमडी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं, सर आप आओ, मोस्ट वेलकम आपका। सभी प्रेस के मेंबर, मीडिया के मेंबर आ गए। ठीक है जी, उन्होंने बस एक काम करा, शुरुआत ऐसे करी कि ब्लैकबेरी इंडिया में 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। सर जान के हेडिंग को इंडिया के फेवर में मोड़ दिया, इतना अट्रैक्टिव रखा कि बेटा मीडिया इसको क्विकली ग्रैस्प करे। मीडिया ने क्या किया अगले दिन, जो काम आप पैसे दे के कराते, मीडिया ने बड़े बड़े हाईलाइट करके उसको छाप दिया कि ब्लैकबेरी इंडिया में 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। नीचे वही सब छापा जो आप चाहते थे, जिसे विज्ञप्ति बोलते हैं हिंदी में, खुद स्कूल वाले भी लिख कर देते हैं ना कि सर यही छाप देना, स्कूल वाले भी पेमेंट करते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो। राज भाई एक सेकंड पॉज करना, तो बाबू ये बात को क्लियर रखना कि ना बेटा जो काम पैसे दे के कराती कंपनी, उसने क्या करा, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने वही काम फ्री ऑफ कॉस्ट करा लिया, क्योंकि जान गैडिंग को इतना अट्रैक्टिव रखा कि मीडिया ने उसको क्विकली ग्रेस पर और छाप दिया। तो बेटा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम तो समझ में आ ही गया होगा थोड़ा सा, वो रिलेशन को स्ट्रेंथन तो कर रहे हैं पूरी सोसाइटी के साथ, लेकिन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं काम, ऐसे करते थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो जाए बस किसी तरीके से। ठीक है जी, अब आपको कुछ मेथड है रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के, चलो वो तो मेथड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक बात और बोल देता हूँ पब्लिक रिलेशन पर, क्या काम आती है पब्लिक रिलेशन में, एक बात लिख देता हूं। लो उत्तर सामने देखना, चार वर्ड है, आराम से समझ लो बेटा, ये दो वर्ड में और है और ये दो वर्ड में और है। पब्लिक रिलेशन का इस्तेमाल क्या होता है, प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज और कंपनीज प्रोडक्ट इमेज। सर जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट एडवर्स पब्लिसिटी फेस कर रहा हो तभी आप इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, ये कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, या कंपनी की खुद की इमेज को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, पर बेटा सिर्फ जरूरी नहीं है बेटा तभी इस्तेमाल करो, आप अपनी इमेज को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज बेटा जियो पूरी सोसाइटी के साथ अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो उसका कोई प्रोडक्ट एडवर्स पब्लिसिटी वेस्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपनी कंपनी की इमेज को, कि भगवान ना करे फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उसे बचा तो लेंगे लोग। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है बाबू? अब पढ़ते हैं मेथड इसके, बेटा पहला मेथड पढ़ना फटाफट से। अच्छा इतना टाइम हो गया क्या, चलो रखते, इतना ही है बेटा, बाय।